राजस्थान के रण में दिग्गजों की एंट्री। एक तरफ भगवा, दूसरी तरफ दो दो हार। दोनों दलों ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव का रण तैयार है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों ही दलों के दिग्गजों ने कमर कसकर प्रचार शुरू कर दिया है। मरुधरा की धरा पर बीजेपी कमल खिलाने की जुगत में है, तो कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदलना चाह रही है। सियासत के सुपर गुरुवार के दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंचकर तीखे वार करने शुरू किए। अलग अलग दिशाओं से बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करने की कार्य करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो अपने अंतर कलहों के कारण जहां तहां अव्यवस्था, अराजकता, विकास के बैरियर के रूप में ही राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के अंदर जानी जाएगी। भैया बहनों, कांग्रेस समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर आतंकवाद है, ये कांग्रेस की देन। नक्सलवाद कांग्रेस की देन। एक गुंडागिरी कांग्रेस की देन। ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है। समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है। 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक परिवार को बहुत बड़ा अवसर मिला। बैल जोड़ी थी तो लोगों ने बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे, फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पे मारे। उम्मीद ये थी कि गरीबी दूर हो जाएगी, उम्मीद ये थी कि जवान लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उम्मीद ये थी कि गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, उम्मीद ये थी सब गांव अच्छे बनेंगे, शहर अच्छे बनेंगे, उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी और हमारा राज्य और हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जनता के बीच लगातार पहुंच रही है। सीएम अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे कर प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो गुरुवार को राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमले किए। अडानी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा टेलीविजन पे चेहरा आता है, आता है? नरेंद्र मोदी जी टीवी पे दिखते हैं ना 24 घंटा? क्यों दिखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये टेलीविजन के मालिक हिंदुस्तान के किसान नहीं है, हिंदुस्तान के मजदूर नहीं है, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा नहीं है, ये टेलीविजन के मालिक अरबपति लोग हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी का चेहरा टेलीविजन पे 24 घंटा डालते हैं। बहरहाल दोनों ही दल प्रचार में जुटे हैं। अपनी पार्टी की जीत के लिए नेताओं के प्रण लेकर लोगों से वोट की अपील करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार मरुधरा की धरा पर राजनीति बड़ी ही रोचक रहने वाली है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 3 दिसंबर को नतीजों के बाद ही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।